भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा, जब भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस फैसला करते ही रोहित शर्मा के पल्ले ने आग उगलनी शुरू कर दी। इतनी ताबड़तोड़ शुरुआत की कि अंग्रेजी गेंदबाज देखते रह गए। रोहित शर्मा ने पहले तो 130 गेंदों पर अपना सैकड़ा पूरा किया और उसके बाद अपने गियर को शिफ्ट कर दिया। जब रोहित 208 रन बनाकर 150 रन पर खेल रहे थे तो ये उम्मीदें लगने लगी थी कि अब वो दोहरा शतक पूरा करेंगे, लेकिन 161 रन पर जाने के बाद लीच की गेंद पर वो आउट हो गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने जो पारी खेली इससे टीम इंडिया का दिन बन गया, और वो भी तब जब भारतीय टीम बिना खाता खोले ही अपना विकेट गंवा चुकी थी, यानी शुभमन गिल पवेलियन लौट गए थे। उसके बाद रोहित शर्मा ने पहले तो पुजारा और फिर अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर ताबड़तोड़ शुरुआत जारी रखी। अजिंक्य रहाणे ने इस मुकाबले में 67 रनों का योगदान दिया। अगर ये दोनों बल्लेबाज इस पारी को ना संभालते तो शायद मैच पलट सकता था, लेकिन दोनों ने सूझबूझ भरी पारी खेली और इंग्लैंड की टर्न लेती गेंदों पर जबरदस्त प्रहार किए और इंग्लैंड की घूमती गेंदों का जबरदस्त जवाब दिया। जब रोहित शर्मा 161 रन बनाकर आउट हुए तो सम्मान की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। उनकी पत्नी भी खड़े होकर तालियां बजा रही थी, क्योंकि रोहित ने बड़े दिन बाद ऐसी पारी खेली थी जिसकी जरूरत इस वक्त टीम इंडिया को थी। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 300 रन पर 6 विकेट गंवा दिए हैं, जिसमें रोहित शर्मा ने 161, शुभमन गिल खाता नहीं खोल पाए, चेतेश्वर पुजारा 21, विराट कोहली 0, अजिंक्य रहाणे 67, ऋषभ पंत 33, अश्विन 13 और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि दूसरे दिन टीम इंडिया और ज्यादा रन बनाए और इंग्लैंड पर दबाव बना दे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।